मांडर विधानसभा उपचुनाव को लेकर झारखंड की राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है, जहां कांग्रेस प्रत्याशी बंधु तिर्की की बेटी ने आज नॉमिनेशन कर दिया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी जल्द ही अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा करेगी। लेकिन जिस तरह से बंधु तिर्की की पुत्री ने नॉमिनेशन किया है, एक बार फिर से विपक्ष को बैठे बिठाए कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधने का मौका मिल गया है। इस बाबत क्या कुछ कहा है भारतीय जनता प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने, मुझे जानकारी मिली भी है, वो तो कांग्रेस का सदस्य भी नहीं है, कांग्रेस की सदस्य भी नहीं, और भी कांग्रेसी कार्यकर्ता मांडर में काम कर रहे हैं, और भी आदिवासी समाज के कांग्रेसी कार्यकर्ता कांग्रेस का झंडा लगातार उठा रहे थे, लेकिन परिवारवाद से ग्रसित पार्टी, सोनिया राहुल और प्रियंका वाली पार्टी, जो परिवारवाद पर विश्वास करने वाली पार्टी, फिर से परिवारवाद का सबसे अच्छा और सबूत देने का काम किया मांडर के चुनाव में। आप कब देंगे उम्मीदवार? चुनाव समिति बैठी है बीजेपी की, कब तक आप लोग? हमारी पार्टी की एक प्रक्रिया है उम्मीदवारों के चयन की, और आज चुनाव समिति बैठी है और हम लोगों ने नाम यहाँ से भेजा है, जल्द ही केंद्र से उन नामों की, जिस नाम की उम्मीदवारी तय होगी वहाँ से घोषणा।